हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आज हम लोग क्लास सिक्स के एरिया का जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एरिया क्या होता है तो चलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया क्या होता है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए ये क्या होता है, ये बेस होता है, ये इसकी हाइट होती है, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। देखिए एल कितना है, सिक्स है, बी कितना है, फाइव। तो इक्वल टू सिक्स इंटू फाइव इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें स्क्वायर रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट्स को। अब देखिए इसमें टोटल, जब इसको 1 2 3 4 5 मतलब 1 2 3 4 5 मीन्स इसका ब्रेथ है और इसका जो रेक्टेंगल सिक्स है, 6 5 जा 30 हुआ। इसी तरीके से हम एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, तो देखिए 3 3 जा 9 तो साइड का स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इसी तरीके से एरिया पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम है, ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है। एरिया ऑफ सर्कल, ये देखिए ये रेडियस होता है पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, जिसे सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं। इसके बाद है सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, इसी को हाफ कर देंगे एरिया को। और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, इसी पूरे सर्कल को हाफ कर देंगे तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, पाई आर आएगा। अब देखिए इसी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ट्रेपेजियम इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए ये और ए एंड बी, ये पैरेलल साइड है और इसके बीच का जो डिस्टेंस एच है, तो हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच हो गया। इसी तरीके से एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो ये हो गया एरिया क्वाड्रिलेटरल हाफ इंटू 1 डायगोनल इंटू सम ऑफ करिस्पॉन्डिंग एज अ करिस्पॉन्डिंग साइड। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि यह क्या है, इसके डायगोनल है, ये एच वन और एच टू है, तो हाफ इंटू ए सी, ए सी यहाँ डायगोनल है, इंटू एच वन प्लस एच टू हो गया। इसी तरीके से एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू डी वन अपान डी वन इंटू डी टू इक्वल टू हाफ ए सी इंटू बी डी हो गया। नोट्स, इसका एरिया का डेफिनेशन अभी हमने नहीं बताया। तो एरिया क्या होता है? द एरिया ऑफ द क्लोज प्लेन फिगर इज द मेजरमेंट ऑफ द रीजन या सरफेस इनक्लोज बाई इट्स बाउंड्रीज नोन एज द एरिया।